अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा में आज 1100 पैकेट केले और 1100 पैकेट आलू से भरे 3 वाहनों को जरूरतमंदों के लिए भेज दिया। इन्हीं जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क वितरित किया जाएगा। मौके पर जिला उपायुक्त श्री वी श्रीनिवासन, SSP डॉक्टर नानक, जिला मंडी अधिकारी श्री प्रीत कंवर सिंह बराड़ भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला उपायुक्त श्री वी श्रीनिवासन ने कहा कि सभी विभाग, सामाजिक सेवा संगठन जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में प्रतिदिन लगभग 15,000 लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा जरूरतमंदों को सूखे राशन के पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। हाँ जी, बठिंडा जिले के विच कर्फ्यू आउन तो बाद असी सभी गरीब लोगों ने रेशन खाना दर वो पूरा दर उनको प्रबंध कर रहे हैं। अभी तक वो जिले के विच वो 20,000 के ऊपर असी ड्राई रेशन पैकेट बन के बन देता है। इस तो अलावा इधर सरकार वालों जो फ्री रेशन आ रही है वो भी इधर असं इधर शुरू कर रहे हैं सभी को गरीब लोगों को बंटने के लिए। इधर बखो के NGO वालों, गुरुद्वारा वालों असं इधर वो लंगर बना के खाना बना के इधर वो गरीब लोगों को दे रहा है। आज जिला मंडी ऑफिसर वालों इधर 1100 इधर वो पैकेट इधर जो सब्जी होता है ठीक है वो भी इधर वो असं डोनेट करने के लिए बने के लिए देता है। असं इधर वो बखो के इधर वो एरिया में भेज के जिस लोगों को नहीं मिल रहे हैं उनको आज दे रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।